आर्मी में तीन नए लोगों ने ज्वाइन किया था। तीनों ही बहुत होनहार सिपाही है। तभी हेड ऑफिस से फोन आता है कि तीनों में से एक दुश्मनों का आर्मी पर्सन है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यहाँ आया है। आर्मी का एक ऑफिसर तीनों से पूछताछ करता है। पहला कहता है, मैं तो इसी कंट्री से हूँ, मेरी एक छोटी बच्ची भी है, ये देखिए मेरे फोटोज। दूसरा कहता है, मैं भी इसी कंट्री से हूँ, मेरी वाइफ भी यही की है, ये देखिए हमारे फोटोज। तीसरा कहता है, मैं भी इसी कंट्री से हूँ, मेरी भी शादी हो गई है, ये देखिए मेरे फोटोज। तीनों फोटोज को देख के ऑफिसर समझ जाता है कि दुश्मनों का आदमी कौन है। कैसे? क्या आप तीनों फोटो को देख के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीसरे वाले की फोटोज को देखिए। सारे फोटोज एक ही लोकेशन के हैं और अलग अलग ड्रेस में हैं। ट्री को देखिए, उसके नीचे पड़े पत्तों को देखिए, बैकग्राउंड को देखिए। इसने ये फोटोज को एडिट किया है, ये फेक है। ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर जेल से भागने के लिए एकदम तैयार था। उसने भागने के लिए एक गड्ढा बना रखा था। उसने रास्ते में खाने के लिए हॉट डॉग्स भी रख लिए थे। उसने बनाए हुए रास्ते से भागना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो रास्ते के एंड में पहुंचा तो उसे तीन दरवाजे मिले। अब इन दरवाजों के लिए वो तैयार नहीं था। पहले दरवाजे के पीछे दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट पुलिस वाला है। अगर चोर ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो चोर को बहुत डंडे मारेगा और वापस जेल में डाल देगा। दूसरे दरवाजे के पीछे एक भूतिया प्रिजनर है जो लोगों का खून पी जाता है। अगर चोर ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये उसका खून पी जाएगा। तीसरे दरवाजे के पीछे जेल का सबसे खूंखार डॉग है जो बहुत भूखा है। अगर चोर यहाँ से गया तो डॉग उसे कच्चा चबा जाएगा। चोर सोच में पड़ जाता है कौन सा दरवाजा लेना चाहिए। क्या आप सोच के बता सकते हैं चोर को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चोर तीसरा दरवाजा लेगा। चोर के पास हॉट डॉग्स पड़े हुए हैं। उसे वो डॉग को देके बिजी कर देगा और दरवाजे से निकल जाएगा। चोर की समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना थोड़ा ब्रेक लेती है और छुट्टियां मनाने के लिए पेरिस जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसका घर पूरा तहस नहस था और उसके घर पे चोरी हो गई थी। बहुत सारा कैश भी गायब था। वो तुरंत पुलिस को बुला लेती है। पुलिस आती है और पूरे सिचुएशन को देखती है। टेबल पे एक प्लेट भी रखी होती है। लगता है चोर कुछ खा के भी गया है। सना पुलिस को बताती है कि मेरी ट्रिप के बारे में सिर्फ तीन लोगों को पता था और मुझे उन पे ही शक है। क्या आप इन सना के तीनों फ्रेंड्स को देख के बता सकते हैं चोर कौन हो सकता है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर सना के घर कुछ खा के गया था। अगर आप खाने की प्लेट को देखेंगे तो खाने वाला लेफ्ट हैंडेड था, और अगर आप सना के तीनों फ्रेंड्स को देखोगे तो उसमें ये पहली वाली लड़की लेफ्ट हैंडेड है। उससे पुलिस को समझ जाता है कि चोरी इसी ने की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन के स्कूल की टीचर बड़ी चालाक थी। एक दिन उसकी स्कूल में एक्सटर्नल टीचर आए थे बच्चों की टेस्ट लेने के लिए। अब टीचर ने बहुत सही प्लान बना लिया था एक्सटर्नल को इम्प्रेस करने के लिए। एक्सटर्नल ने सवाल पूछा तो सारे बच्चों ने हाथ ऊपर किया। टीचर ने एक बच्चे को चुना और उसने जवाब दे दिया। फिर एक्सटर्नल ने दूसरा सवाल पूछा, फिर सारे बच्चों ने हाथ ऊपर किया। टीचर ने एक बच्चा चुना और उसने जवाब दे दिया। एक्सटर्नल बड़ा खुश हो गया। जितने सवाल पूछे सारे बच्चों ने हाथ ऊपर किए, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। सारे बच्चों को आंसर आते नहीं थे, तो ऐसा क्या किया टीचर ने? क्या आप सोच के बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए, इसका आंसर बड़ा मजेदार है। आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं ध्यान से देखने के लिए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। टीचर ने बच्चों को बोल रखा था, जिसको आंसर आता है वो लेफ्ट हैंड ऊपर करना और जिसको नहीं आता है वो राइट हैंड ऊपर करना। टीचर हर बार जिसका लेफ्ट हैंड ऊपर होता था उस बच्चे से आंसर पूछती थी। क्या मस्त स्ट्रेटेजी लगाई ना टीचर ने एक्सटर्नल को इम्प्रेस करने के लिए। आइडिया अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेड घर पे काम कर रही थी, तभी अचानक उसे गोली चलने की आवाज आती है। वो तुरंत अपने मालिक रोहन को फोन लगाती है और बताती है कि घर पे गोली चलने की उसे आवाज आई है, आप तुरंत घर आ जाइए। वो डिटेक्टिव मेहुल को भी फोन लगाती है और बताती है कि घर पे गोली चली है और मैंने मालिक को भी फोन करके ये बता दिया है। मेहुल और रोहन दोनों साथ में घर पहुंचते हैं। रोहन, अच्छा हुआ डिटेक्टिव आप आ गए, किसी ने मेरी बीवी को गोली मार दी है, जल्दी से उसे आप पकड़ लीजिए। मेहुल अंदर जाता है और रोहन की वाइफ को मरा हुआ पाता है और तुरंत रोहन को पकड़ लेता है। क्यों? मेहुल को रोहन पे शक क्यों हुआ, क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेट फोन करके बताती है कि घर पे गोली चलने की आवाज आई है, ये नहीं बताती है कि खून हुआ है। रोहन को कैसे पता चला कि उसकी बीवी का ही खून हुआ है? वहीं मेहुल को शक हो जाता है कि खूनी रोहन ही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन और सना, राज और रमा दोनों के बेटे 2 दिन से गायब थे। दोनों पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस बताती है कि उन्हें कल शाम 8 बच्चे मिले थे। पहचान लो आप लोगों का बच्चा कौन सा है, क्या आप इन 8 बच्चों को देख के बता सकते हैं रोहन और राज के बच्चे कौन कौन से हैं? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पहले तो दोनों के बेटे घूमे थे तो लड़कियां तो सारी एलिमिनेट हो गई। बचे हुए में ध्यान से देखिए, सी वाले के हेयर रोहन से मिलते हैं और आई सना से मिलती है, तो ये इनका बच्चा हो गया। एफ वाले के हेयर राज से मिलते हैं और उसको रमा के जैसे तिल है, तो ये इनका बेटा हो गया। दोनों को अपने बेटे मिल जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2 बच्चे बीच पे खेल रहे थे, उन्हें रेत में फंसा हुआ एक पाइप दिखता है। उसमें से झांक के देखने पे उन्हें एक बर्ड दिखता है। पाइप काफी लंबा और सकरा था, बर्ड उसमें से बाहर नहीं आ पा रहा था। बच्चे उसे लकड़ी की मदद से भी बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, बर्ड को लग सकती थी। तो अब क्या करें? कैसे निकाले बर्ड को बाहर, क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चों ने सही तरकीब निकाली, वो पाइप में धीरे धीरे रेत भरने लगे। जैसे जैसे पाइप में रेत बढ़ रही थी, बर्ड ऊपर आ रहा था और थोड़ी देर में वो बाहर निकल के उड़ गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी परछाई नहीं होती? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। और इसका सही जवाब है सड़क, रोड। रोड की परछाई नहीं होती। रामू बहुत गरीब था। उसका एक लड़का था जो शहर जाने के सपने देखा करता था, लेकिन उनके पास शहर जाने के पैसे नहीं थे। एक दिन रामू ने शहर जाने का ठान ही लिया तो उसकी माँ ने उसे एक फ्रूट देते हुए कहा, बेटा ये फ्रूट रख ले, भूख लगी तो खा लेना, प्यास लगी तो पी लेना और ठंड लगी तो जला लेना। तो आप सोचिए और मुझे बताइए, उसकी माँ ने उसे कौन सा फ्रूट दिया? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। उसकी माँ ने उसे नारियल दिया। भूख लगे तो उसे खा सकते हैं, प्यास लगे तो पी भी सकते हैं और ठंड लगे तो उसे जला भी सकते हैं। इन दोनों मेट को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए किसका चोरी का इंटेंशन है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
इसमें पहली वाली मेड का चोरी का इंटेंशन है। दूसरी वाली मेड ने सामने की झाड़ू लगा ली है, लेकिन उसने रिंग को वहीं पड़े रहने दिया। लेकिन पहली वाली मेड ने रिंग को उठा के अपने बकेट में डाल ली, इसलिए इसका चोरी का इंटेंशन होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइए, और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।